सो गाइस सभी अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में जिस तरह का डीजे स्टेटस देखा गया, जो सॉन्ग अभी न्यू ट्रेंड में चल रहा है, अभी जो आया नहीं आने वाला है उसे तूफान कहते हैं। आज इसी सॉन्ग पे गाइस मैंने एक स्टेटस क्रिएट किया और आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेटस को कुछ इस तरह के, अगर आप कुछ इसी तरह का जो स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है गाइस। आज की इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरह का जो ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट करके दिखाऊंगा गाइस, और आप भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए गाइस अपने मोबाइल में जो काइनमास्ट एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जिस तरह मेरे मोबाइल को होम स्क्रीन पर दिख रहा है। और एक बात बता दें, मेरे चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का, जो बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइनमास्टर जो ओपन करने के बाद इंटरफेस इस तरह को दिखेगा। दिखने के बाद प्लस के आइकन को क्लिक करना है और नाइट रेशियो सेटिंग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट हो जाने के बाद सबसे पहले सेटिंग में क्लिक करना है, एडिटिंग में जाना है और इसका जो ड्यूरेशन कुछ तो फॉल्ट करके वो 2 पॉइंट पे रख देना है। 2 पॉइंट रखने के बाद इस पर नीचे जाना, फिर इसको सेलेक्ट करना, यहाँ से उसको डन कर देना है। डन हो जाने के बाद गाइस को क्या करना है, इस वीडियो में आपको अपना गैलरी से जो कुछ मॉडल्स फोटो, पहले 10 मॉडल्स फोटो को ऐड कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ से जो मैं 10 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद गाइस को डन करना है। डन हो जाने के बाद दोनों की मदद से उस तरह से कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। इतना जूम हो जाने के बाद को फर्स्ट तरफ आना, फर्स्ट मॉडल्स फोटो क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है। जाने के बाद को इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, चलो मैं दिखा देता हूँ। जो दिख रहा है स्वीट लाइज ब्यूट सीन्स, जो इस वाला जो इफेक्ट है वो काइनमास्टर में नहीं मिलेगा, अलग है पैक। जिस एप्लीकेशन का नाम है ब्यूट सीन्स एप्लीकेशन, उससे आप काइनमास्टर में क्लिप ग्राफ्स शेयर कर सकते हो। क्लिक करना, डाउनलोड करने का फर्स्ट वाला इफेक्ट को ऐड कर देना। अब 10 मॉडल्स फोटो में, अगर 10 मॉडल्स फोटो को कुछ इसी तरह क्लिप ग्राफ्स में जाना है, और जाने के बाद जो को स्वीट लाइज का इफेक्ट है को जो है 1 से 10 मॉडल्स में 10 जो इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो चलो जो काम है फटाफट से ऐड कर लेता, आप कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना। तो गाइस मैंने जितना मॉडल्स फोटो ऐड किया था सब में मैंने कुछ इसी तरह जो इफेक्ट ऐड कर लिया। ऐड हो जाने के बाद यहाँ से को डन करना। डन हो जाने के बाद वीडियो का को यहाँ से एक बार एक्सपोर्ट कर लेना कुछ इस तरह से, जिस तरह मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद को क्या करना है, बैक आना। एक बार बैक आने के बाद गाइस इसको नॉर्मल साइज में कुछ इसी तरह से ले आना। ले आने के बाद को फर्स्ट तरफ रहना इधर से, और मीडिया पर क्लिक करना। जो वीडियो भी एक्सपोर्ट की उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वीडियो को मैं चलो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार यहाँ से डन कर देना। फिर उसी वीडियो पर क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करना। आपको क्लिक करने के बाद इसका जो डुप्लीकेट है को बना लेना है कुछ लेयर तक। तो इसका जो मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, आप भी कुछ इसी तरह का डुप्लीकेट बना लेना 12-13 सेकंड तक। इसका डुप्लीकेट हो जाने के बाद गए यहाँ से को डन कर देना है। डन हो जाने के बाद को क्या करना, फर्स्ट तरफ आना, लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ से जो ग्रीन कलर का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद वीडियो को सिलेक्ट करना, बॉक्स पे ऑप्शन पे क्लिक करना, ऑफ के बगल में जो व्हाइट कलर का बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से डन करना। डन हो जाने के बाद फिर से बॉक्स मतलब वीडियो पे क्लिक करना है, वहाँ से देख रहा क्रोमा की ऑप्शन पे क्लिक करना, उसको यहाँ से कोई इनेबल कर देना है। इनेबल हो जाने के बाद गाइस यहाँ से डन करना है। डन हो जाने के बाद फिर से उसी वीडियो पे क्लिक करना है, उसको के नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ एट्रियाटिक वीडियो का जो इसका जो साउंड है आपको बाहर निकाल लेना है, ताकि जो मॉडल्स फोटो को बाद में एडजस्ट करने में आसानी होगा। तो निकाल लिया, उसके बाद यहाँ से डन करना। डन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक आना है, जहाँ से कि जो इसका जो मतलब ये ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ले लेने के बाद गाइस डन करना। डन हो जाने के बाद जहाँ से जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो में जो वीडियो अगर वहाँ से कोई ख़त्म हो रहा है तो वहाँ तक आना कुछ इस तरह से। तो यहाँ जो मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा और मैं जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। जूम हो जाने के बाद गाइस को यहाँ तक आना कुछ इस तरह से। मॉडल्स जो वीडियो सिलेक्ट उस पर क्लिक करना, उसका जो ड्यूरेशन है कुछ इस तरह से को यहाँ तक रख देना है। यहाँ तक रख देने के बाद गाइस यहाँ से आपको डन करना। डन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना और जो मॉडल्स फोटो लिए थे उसी मॉडल्स फोटो में आपको जाना, और यहाँ से जो जितना सॉन्ग का ड्यूरेशन रखे उतना लंबा तक कुछ जो मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना है। तो यहाँ से जो मैं कुछ मॉडल्स फोटो ऐड कर लेता हूँ, तो आप भी ऐड कर लेना कुछ मॉडल्स फोटो, 10-20 हो सके तो ऐड कर लेना। ऐड हो जाने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से डन कर देना है। डन हो जाने के बाद कुछ थोड़ा इस तरह से कोई जूम कर लेना। इतना जूम हो जाने के बाद को फर्स्ट तरफ आना है। फर्स्ट तरफ आने के बाद कुछ आपको यहाँ तक आना है, जहाँ तक कि इसका जो डिजाइन कट किए थे आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक आना है। यहाँ तक
यहाँ तक आने के बाद गैस वीडियो में क्या करना है चलो मैं दिखा देता हूँ। जहाँ से कि जो यहाँ तक बॉय का फोटो आ रहा था, तो कुछ इस तरह से यहाँ तक आना है। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, इस तरह से यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक आना गैस, आने के बाद इस मोटर स्पोर्ट पर क्लिक करना है। इसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ तक रख देना है, यहाँ तक एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। जी अगर अब इस तरह से एडजस्ट करते हो का जो स्टेटस वीट है गाइस, वीट के साथ जो मॉडल्स फोटो है परफेक्ट मैच हो जाएगा गाइस। इस तरह का एडजस्ट करते हो, मैं जिस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ आपको कुछ इसी तरह से मॉडल्स फोटो सिलेक्ट कर लेना, आपको कुछ इसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। इतना है, अगर आप इसी तरह से एडजस्ट कर लेना गाइस, तो चलो मैं काम को जो फटाफट से कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ से को डन करना, फर्स्ट तरफ आना कुछ इस तरह से। यहाँ तक मैं आपको दिखा दूँ जहाँ तो मॉडल्स फोटो मतलब सिलेक्ट किए हो, यहाँ तक इस मॉडल्स फोटो को क्लिक करना है। क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, जाने के बाद आपको मोबाइल का इंटरनेट जो कनेक्शन को ऑन रखना है, तो ऑन रखने के बाद क्या करना, सबसे पहले इसको नीचे जाना है, गेट मोड पर को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप सामने का जो नेट चलाओ फास्ट रहना चाहिए। उसके बाद का सामने कुछ इस तक इंटरफेस दिखेगा, दिखने के बाद गाइस जो यहाँ दिख रहा है ओवरवेल इनोवेशन 2, उस पर क्लिक करना। इसको यहाँ से को डाउनलोड कर लें, तो मेरे पहले से इंस्टॉल है, तो इसमें मैं बैक जाता हूँ और यहाँ से बैक जाता हूँ। वो जाने के बाद ओवरवेल इनोवेशन 2 पर क्लिक करता हूँ, जो फर्स्ट नंबर इफेक्ट है वो इस मॉडल्स फोटो में ऐड कर देना है। उसके बाद आप उसके बाद के जितना मॉडल्स फोटो सिलेक्ट किए उस समय ओवरवेल इनोवेशन 2 का जो इफेक्ट है वो सब मॉडल्स फोटो में ऐड कर देना फटाफट से। तो जो काम है जो फटाफट से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो आपका जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो काम को मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये लो गाइस मेरा जितना मॉडल्स फोटो था, मैंने सब में कुछ इस तरह से इफेक्ट जो ऐड कर लिया। ऐड हो जाने के बाद यहाँ से डन करना को फर्स्ट तरफ आना कुछ इस तरह से, इसको नॉर्मल साइज में ले आना आपको कुछ इसी तरह से। उसके बाद फर्स्ट तरफ आना, लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना है और यहाँ से कोई जो बॉर्डर पीएनजी ऐड कर देना है। तो चलो मैं बॉर्डर पीएनजी देख लेता हूँ मेरा किधर, तो ये रहा मेरा बॉर्डर पीएनजी, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। अगर आप टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं तो जो वीडियो में टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, मैं टेम्पलेट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। कैसे ऐड करना नहीं जानते तो मेरा अगला वीडियो देख लेना। और यहाँ से मैं डन कर देता हूँ वीडियो, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू।